नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बिलगा में एक नौजवान के कत्ल का मामला आया सामने, पुलिस आरोपियों की तलाश में कर रही छापामारी। बरनाला पुलिस ने पुलिस कर्मचारी की हत्या के मामले में चार आरोपियों को किया काबू। 315 बोर का पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस, एक कार व मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर महानगर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया रावण दहन। और अब हलचल विस्तार से। बिलगा में एक नौजवान के कत्ल का मामला सामने आया है। पुलिस को दिए बयानों के अनुसार महेंद्र कौर ने बताया कि गत रात्रि लगभग 8 बजे उसे पता चला कि उसके बेटे जगदीप सिंह जग्गी के साथ शमशान घाट पत्ती बंगा पुआंदड़ा रोड पर मारपीट की जा रही है। और जब वह हरजिंदर सिंह को साथ लेकर मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि जग्गी के सिर में चंदन कुमार उर्फ चांदी ने बेसबॉल मारा, जिस कारण जग्गी गिर गया। इस दौरान गुरप्रीत, साजन, जसकरण और साहिल ने उस पर डंडों से हमला किया। जग्गी के सिर पर गंभीर चोटें लगने के कारण उसे वे नूर महल इलाज के लिए लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब रहे कि पहले भी दोनों पक्षों में मोटरसाइकिल को लेकर मामूली झगड़ा हो गया था। वहीं जब मृतक के पारिवारिक सदस्यों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दो नौजवान उनके घर आकर धमकी देकर गए थे कि वे उनके बेटे को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका बेटा किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करता था, उसका खेलों के प्रति ध्यान था और वह बॉडी बिल्डर था, इसलिए पारिवारिक सदस्यों ने मांग की है कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं जब इस संबंध में बिलगा पुलिस के साथ बातचीत की गई तो सब इंस्पेक्टर अनवर सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। भीर जी, ओह मेरे को दो जने आए ने, मैं रसोई च रोटी बनाई सी। उन्होंने मैनू यही कहा भी अपने मुंडे नू समझाओ। मैं आख्या पुत जी थोड़ी गल बाहर जो भी आ, जां उहदे नाल आ जां किसी होर नाल आ, तुसीं बाहर समझो भी मैनू कोई इदां दा नहीं हैगा पता भी की थोड़ी चलती की नहीं। वह कहिंदे माता जी फिर चंगा असीं आपे समझावांगे उहनू ते आपे उहदा असीं सौदा लावांगे। इन्ना कह के फिर ओह बाहर ना ही चले गए। दोस्ती खांदे सी ना पींदे सी, एक थाई करदे सी। की मांग करदे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਫੈਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 10-12 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੀੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:15 ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ 10-12 ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਬੇਸਬਾਲ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ, ਦਾਤ ਸੀ, ਬਗੂੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੜਾਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ 10-12 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਿਆ ਅਖੀਰਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਗਦੀਪ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਈ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸਾਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ,
ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਗੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈਏ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਕਿਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 50-50 ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਿਲਗੇ 'ਚ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 2012 ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਹਿ ਰਹੀਆਂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਬਿਲਗੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਰਾਹ ਖੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਚਲੋ ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਲੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਿਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਸਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਕਹੀ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸ਼ੈਲੀ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਪੱਤੀ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਖੁਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਸਰ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਕੇ SSP ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੀ। SSP ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ ਝਗੜਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਜਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਿਕੋਂ ਸੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰੋਂ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਸੇ ਹੈਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਸੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर बरनाला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि इसके तहत CIA स्टाफ, बरनाला थाना सिटी और धनोला थाना टीम ने मिलकर और तीन आरोपियों गुरमीत सिंह, वजीर सिंह और जगराज सिंह राजा को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि थाना धनोला पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच इन आरोपियों की तलाश और दशहरा को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान आरोपी परमजीत सिंह पम्मा मौके पर पहुंचा और जब पुलिस ने उसे रोका तो वह गाड़ी भगाने लगा। पुलिस ने जब आरोपी का पीछा किया तो उसने पुलिस पर पिस्तौल तान दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चला दी। पुलिस की गोली आरोपी पम्मा ठीकरी वाला के पैर में लगी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सरकारी अस्पताल बरनाला में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 315 बोर का पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस और एक ऑल्टो गाड़ी बरामद की है। उन्होंने बताया कि परमजीत सिंह पम्मा के खिलाफ पुलिस पर गोली चलाने और इरादतन कत्ल के आरोप में एक अन्य मामला थाना धलोना में दर्ज किया गया है। वहीं SSP बरनाला ने कहा कि पीड़ित परिवार को पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए की मदद कर बड़ी राहत दी है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री पंजाब और DGP पंजाब का धन्यवाद करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बरनाला पुलिस को जब भी जरूरत होगी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की पैरवी कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जी 22 अक्टूबर की शाम को बरनाला पुलिस का एक बहुत बड़ा लॉस होया पंजाब पुलिस का, जिदे विच की साडे हैड कॉन्स्टेबल दर्शन सिंह जी मार्टर हो गए, तो साडा बड़ा लॉस होया। उस दिन शाम को सानू इनफॉर्मेशन मिली सी कि 25 एकड़ बरनाला दे विच एक रेस्टोरेंट दे विच लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उत्थे जदों पुलिस पार्टी पहुंची, जिदे विच साडे PCR ते गश्त पार्टी दे विच हैड कॉन्स्टेबल दर्शन सिंह जी भी सीगे, उत्थे पहुँच के उन्होंने समझाने की कोशिश की, जो कि एक्यूज्ड है इस केस दे विच। उत्थे 4 दोषी मौजूद सी, जिन्हों का नाम हैगा परमजीत सिंह पम्मा, वजीर सिंह, गुरमीत सिंह ते जगराज सिंह राजा। उन्होंने काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की, शांत करने की, बट दे वर वेरी एग्रेसिव एंड एडमेंट। उन्होंने पुलिस पार्टी नूं अब्यूज ते असॉल्ट करना शुरू करता। जदों उन्होंने कंट्रोल करन दे विच हैड कॉन्स्टेबल दर्शन सिंह जी लगे ते उस सारे के सारे दोषियों ने मिल के दर्शन सिंह जी दे अटैक करता, जिदे विच उन्होंने काफ़ी सट्टां आईयां। तुरंत साडी पुलिस पार्टी उन्होंने थाने ले गई। थाने दे विच उन्हां दी तबीयत खराब होण ते उन्होंने सिविल होस्पिटल ले जाया गया, जिथे जाके उन्हां दी डैथ हो गई। ते तुरंत ही असी 302 अंडर सैक्शन 302 IPC रजिस्टर करती FIR ते वी मेड सैवरल टीम्स। साडे SPD रमनीश चौधरी जी, DSP गंभीर सिंह एंड DSP बरनाला सतवीर सिंह जी तहत, इंचार्ज CIA बलजीत सिंह, SHO सिटी 1 बलजीत सिंह जी इंस्पैक्टर साहब, एंड SHO सिटी 2 निर्मल सिंह, धनोला SHO लखविंदर सिंह एंड ऑल दी अदर SHOs, ऑल दी टीम्स वर आउट। सानू उपरों भी जदों असी सीनियर ऑफिसर्स नू दस्या, उन्होंने कहता सीगा, स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस भी सीगी कि इन्हां नू सख्त तो सख्त असी कार्रवाई करनी है, इन्हां ते इन्हां नू कानून मुताबक फड़ के ते वी हैव टू बुक देम अंडर दी लॉ। तो असी टीम्स बना के इन्हों काफ़ी लीड सी साड़ी टीम्स को, उन्होंने वर्क करते हुए कल सानू कामयाबी मिली, जिदे विच ये सारे के सारे चारों दोषियों असी फड़ लिया। ए खास तौर पर जिहड़ा परमजीत सिंह पम्मा हैगा, उन्हों SHO धनोला वालों गश्त पार्टी जिहड़ी कि असी हुण काफ़ी पेट्रोलिंग्स ते नाकाबंदी की हुई है दशहरे के उपलक्ष्य के भी, बिकॉज ये वॉन्टिड सीगे क्रिमिनल साढ़े, सानू उन्हां दे फोटोग्राफ्स ते नाम उन्हां कोल मौजूद सीगे।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇਨ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਆਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਲਸੋ ਰਿਸਪੋਂਡਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਪਾਓ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਟਿਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲੀਗਲ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਵੈਪਨ 315 ਬੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਿਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, 1 ਓਲਟੋ ਗੱਡੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਬਲਟਰਨ ਪਾਰਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੰਦਿਰ ਨੋਹਰੀਆਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਬਲਟਰਨ ਪਾਰਕ ਮੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਪਰਵ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੋ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਬਕਾ ਮਨ ਮੋਲਿਆ। ਵਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਔਰ ਰਾਵਣ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਾ ਮੰਚਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਧੀਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੀਲਕੰਠ, ਬੱਬੂ ਨੀਲਕੰਠ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਔਰ ਮੇਘਨਾਥ ਕੇ ਪੁਤਲੋਂ ਕੋ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਲੋਗੋ ਕੋ ਬਦੀ ਪਰ ਨੇਕੀ ਕੀ ਜੀਤ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬਧਾਈ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮੇਟੀ ਸਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੇ ਕੋਛੜ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੀਤ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜੀਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪਰਵ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 145 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 145 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਡਿਤ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਲੀ ਮੇ ਬਿਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਪਰ ਪੜੋਸੀਓ ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਪਰ ਆਰੋਪ ਲਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਕੀ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਈ, ਉਲਟਾ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਪਰ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਡਾਲ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਜਬ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੇ ATP ਅਰੁਣ ਖੰਨਾ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਕਸ਼ੋਂ ਸੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਏ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਣਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ, ਪਲੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਛੋੜਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ,
तो गली जी उन्होंने छड़ी ही नक्शे दे 12 फुट की गली है तो अगों 9 फुट की गली है एंट्रेंस की गली 5 फुट 5.5 फुट है तो इन्होंने एक कॉर्नर का फर्स्ट जिहड़ा हैगा कॉर्नर का मकान एदा हुकम चंद है अगे अंदर आयो एंट्रेंस करो तो सामने एक हुकम चंद का मकान है जिहड़ा इन्होंने अपने चाचे को लैके तो पता नहीं की किदा किता इन्होंने सानू नहीं जी पता बाकी जिहड़ा नाल दा हैगा ਉਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਂ ਮੁੰਨੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਘਰ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੋਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਗਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਗਲੀ ਦੀ 6 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਕਰੋਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਧੀਰਜ ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਗਗਨ ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਹੈ 18 ਫੁੱਟ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ CM ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਕਰਤੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਤੁੜਵਾਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅਤੇ 18 ਫੁੱਟ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 21 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ 2 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ 34 ਫੁੱਟ ਮੱਥਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੰਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 35 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਰਾਇਲ ਜਲੰਧਰ ਸੀਜ਼ਨ 7 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਏ ਰਸ਼ਮੀਜ਼ ਨਿਮੰਤਰਨ ਇਵੈਂਟਸ co-presented by Ritu Colentine, sponsored by Javeri Gujranwala Jewelers, co-sponsored by RCMP International GT Road, powered by Hit Hot, co-powered by Optical Point की ओर से जालंधर के Regent Park Hotel में 1 नवंबर 2023 को करवाया जाएगा। इस इवेंट में खास थीम रहेगी 16 श्रृंगार की और इस इवेंट की चीफ गेस्ट रहेंगी इंटरनेशनल फेमस कमी जुनेजा एवं जज की भूमिका निभाएंगी डाइटिशियन गुनीत बेदी दीपावली पोपली और अंबिका इंडस्ट्रीज की MD सोनिया धीर तो वहीं इस शो को सोनिया विर्दी और मशहूर टैरो कार्ड रीडर रितिका मारवा द्वारा ब्लेसिंग दी गई हैं इस इवेंट का डेकोरेशन करेंगे फ्लोर पॉइंट और फोटोग्राफी पार्टनर रहेंगे मिनहास फोटोग्राफी इस इवेंट को भानु सेठ मिटिंगा महेंद्रू और मधु अरोड़ा खास तौर पर सपोर्ट करेंगे वप्रीत कसूरी खास तौर पर इस इवेंट में मौजूद रहेंगी वहीं इस इवेंट में फन गेम्स के साथ साथ तंबोला गेम्स और रैंप वॉक भी होगी इस इवेंट में खास टीम मुकुल जोशी और अखिल कटियाल की रहेगी इवेंट को सबसे ज्यादा प्यार श्री कृष्ण क्रिएशंस की मैनेजिंग डायरेक्टर शैली चोपड़ा द्वारा दिया गया है तो वहीं इवेंट में खास तौर पर काजल राणा फ्रॉम द ब्यूटी बॉक्स पायल कोचर फ्रॉम ब्रांड मिरेकल गीतिका मयंक बजाज फ्रॉम एंजेलिक ड्रॉप्स नैनी फ्रॉम ब्रांड फुल्की आरोही फ्रॉम ब्रांड तुलसी परिधान पूनम फ्रॉम ब्रांड प्रेशियल पर्ल मौजूद रहेंगी शो में गेस्ट ऑफ ऑनर सोशल वर्कर दीपाली बागड़िया एजुकेशनल रिंपल भल्ला
एजुकेशनिस्ट हरप्रीत कौर, डाइटिशियन गीतिका सेठी, मेकअप आर्टिस्ट मानवी कौर रहेंगी। सुषमा पाल और राजन पाल इवेंट को भरपूर प्यार देंगे। शिवम कोरियोग्राफर द्वारा डांस की कोरियोग्राफी की जाएगी। मदन कार्ड और एडफिनिटी एडवर्टाइजर्स बाय मुकुल महेंद्रू शो के प्रिंटेड पार्टनर रहेंगे। DRS फर्नीचर, 3G हट, बनारसी लहंगा हाउस, मोबाइल पॉइंट, सुख महल होटल, ऋतु IVR, निधि क्रिएटिव किचन, इनॉक्स बाय PVR सिनेमा, विप्ड पर्ल काकरिया, स्टेप बाय स्टेप डेली डोज, शाइन कलेक्शन, क्लासिक डोर और ड्राई क्लीनर, रौनक कंप्यूटर, साई फिटनेस, डांस क्लासेस, सिमरन दी रसोई, नाचिया ड्रीम्स, महाकाल ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, हॉलिस्टिक हीलिंग बाय श्वेता चोपड़ा, मूविंग अहेड इमिग्रेशन, टाइम्स ग्राफिक्स, इलीट इलेक्ट्रिकल वर्क्स ने शो को सपोर्ट किया है। तो वहीं क्लोविया ब्रांड ने शो को खास तौर पर सजाया है। इस दौरान रश्मि अग्रवाल ने तहे दिल से सभी का धन्यवाद किया और ये भी कहा कि मिसेज करवा चौथ रॉयल जालंधर सीजन 7 के लिए वे दैनिक सवेरा के तहे दिल से आभारी हैं। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डाइटिशियन गुनीत बेदी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दी मिसेज रॉयल करवा चौथ इवेंट सीजन 7 एट रीजेंट पार्क ऑर्गेनाइज्ड बाय रश्मि निमंत्रण इवेंट्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। आई एम द जज ऑफ द इवेंट, सो वेटिंग टू सी यू ऑल माई लवली लेडीज, कम एंड मीट मी देयर। एंड फॉर एनी डाइट टिप्स बिफोर करवा चौथ और आफ्टर करवा चौथ, यू कैन कम एंड मीट मी एनी टाइम। थैंक यू। हेलो क्वींस ऑफ जलंधर, हाउ आर यू? सो दिस इज रश्मि अग्रवाल, MD रश्मीज निमंत्रण इवेंट्स। तो मैं लेकर आई हूँ द रॉयल श्रृंगार मिसेस करवा चौथ रॉयल जलंधर सीजन 7 एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रश्मीज निमंत्रण इवेंट्स, को प्रेजेंटेड बाय ऋतु क्वालेंटाइन सलोन एंड एकेडमी। प्रेशियस पेट्रन इज मदान कार्ड्स एंड मीडिया पार्टनर इज दैनिक सवेरा एंड हलचल। सो पावर्ड बाय हिट हॉट एंड हूफ, को पावर्ड बाय ऑप्टिकल पॉइंट, डेकोर इज बाय फ्लावर पॉइंट, स्पॉन्सर्ड बाय जावेरी गुजरावाला, को स्पॉन्सर्ड बाय RCMP इंटरनेशनल GT रोड, थीम इज पावर्ड बाय डॉली हांडा USA, फोटोग्राफी पार्टनर फॉर टुडे इज मिन्हास फोटोग्राफी एंड Precious patron is Shri Krishna Creations and precious patron is the Beauty Box. So, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे मिसेस करवा चौथ रॉयल जलंधर में। तो मेरी आपसे गुजारिश है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फन गेम्स तंबोला होने वाले हैं और 8 टाइटल्स होंगे टू बी वन। एंड इसके साथ मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ दैनिक सवेरा और हलचल चैनल का, जिन्होंने 7 ईयर से कंजक्टिव हमें अपना सपोर्ट और भरपूर प्यार दिया ताकि महिलाएं इसके अंदर अपना हुनर आके तराश सके। थैंक यू सो मच हलचल एंड दैनिक सवेरा। सो बहुत ही आभारी हूँ इन सभी ब्रांड्स का जिनके प्यार से, जिनके सहयोग से ये शो बना। DRS फर्नीचर, सुख महल होटल, मोबाइल पॉइंट, ऋतु आईवेयर, मिराकल कोरियोग्राफर शिवम, विप बाय पर्ल काकड़िया, एंजेलिक ड्रॉप्स, निधिस क्रिएटिव किचन, आयोनॉक्स, देन स्टेप बाय स्टेप, प्रेशियस पर्ल, फुल्की, शाइन क्रिएशंस, डेली डोज, क्यारा कंसल्टेंसी, क्लासिक्स एंड देन इसके बाद रौनक कंप्यूटर्स, वुमेन्स वियर परिधान, देन वी हैव साइंजी फिटनेस क्लासेस, सिमरन दी रसोई, क्लोविया, नाजिया ड्रीम्स एंड महाकाल ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट। वी आर ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल टू 3G हट एंड ऑल्सो क्लोविया, जो हर साल भरपूर प्यार लेके आते हैं। तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद है। हेलो एवरीबडी, दिस इज ऋतु क्वालेंटाइन फ्रॉम ऋतु क्वालेंटाइन मेकओवर स्टूडियो एंड अकेडमी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये ब्यूटीफुल इवेंट बाई रश्मि अग्रवाल रॉयल सोला सिंघार। इस इवेंट में आप लोगों को मैं सब इनवाइट करती हूँ कि इस करवा चौथ के इवेंट में आप सब पार्टिसिपेट करें, आएँ। एंड लेडीज़, हमारा पूरा हक बनता है हम अच्छे से इस इवेंट को एंजॉय करें। लेडीज़, वी आर देयर टू पैम्पर यू एट ऋतु क्वालेंटाइन्स। सो ऋतु क्वालेंटाइन्स मीन्स पैम्परिंग, पैम्परिंग मीन्स ऋतु क्वालेंटाइन। सो आप लोग सब आएँ, यहाँ ब्यूटीफुल गिफ्ट वाउचर्स ऋतु क्वालेंटाइन की तरफ से आप सबको मिल रहे हैं जो 1000 रुपीज़ के वर्थ हैं। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सर्विस एंड दिस ब्यूटीफुल इवेंट बाय रश्मि। जय शंकर जी की। मिसेस करवा चौथ रॉयल जलंधर सीजन 7 हर बार की तरह इस बार भी रीजन पार्क में 7 सीजन करने जा रहा है और रश्मि के साथ हम लोग एज ए होस्ट आप सबको इनवाइट करते हैं सुंदर सुंदर बनकर अपने इस दिन को और प्रेशियस और ब्यूटीफुल बनाइए और रीजन पार्क में और अपने डे को बेस्ट एंड ब्लेस्ड विद द एलमाइटीज ब्लेसिंग करिए। और मेरी और सोनिया वेदी जी दोनों की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों ब्लेसिंग्स रश्मि और साथ में पूरे इवेंट को, एंड वी ऑल विल बी देयर
Hello everyone, this is Sonia Dheer and this is Deepavali Popli and we are coming as a jury member for this Karwa Chauth event season 7 that will be held on November 1st at Regent Park Hotel organized by Mrs. Rashmi Agarwal who is most beautiful and talented lady. So guys, please come and join this event. Wish you all the best. So, bahut sara pyar bhara welcome hai to jinhone blessings diye mere show ko, juries. And a very warm welcome I would like to extend to Kimi Juneja ji, who is internationally famous for her paintings all over the world. Kimi Juneja ji, this is a warm welcome to you at our show. Thank you so much, Dainik Savera. मैं उम्मीद रखती हूँ इस करवा चौथ में आप सब करवा चौथ मेकअप करने आएंगे, जो कि हमने just 1000 रुपीस में क्लियर एंड ग्लो ब्यूटीफुल फ्लॉलेस मेकअप रखा है आप सबके लिए. आप लोग आओ, तैयार हो, बालों को संवारो, अपना पूरा मेकअप कराओ, टोटल मेकओवर लेके एंड एंजॉय योर डे फुली. सो प्लीज़ कम टू रितु कॉलेंटाइन्स. हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब? हम सब यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं 1 नवंबर को रश्मि के करवा चौथ के इवेंट में. आप सब आइए, इंजॉय कीजिए और खूब मस्ती कीजिए. हम खूब मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे और इंजॉय करेंगे. थैंक यू सो मच. सारथी कला मंच की ओर से करवाई जा रही श्री दुर्गियाना परिसर में रामलीला का समापन हुआ. इस दौरान चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा व संचालक चंचल जीत ने कहा कि रावण के वध का दृश्य संपन्न हुआ, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है. वहीं उन्होंने कहा कि इन 9 दिनों में लाखों लोगों ने रामलीला देखी और हिंदू संस्कृति को समझा. उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके विचारों को जाना और रामलीला में दी गई शिक्षाओं से बहुत सी अच्छी बातें सीखी एवं हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए, इसके बारे में जाना. देश के साथ साथ पुर्तगाल से आए हुए विदेशी पर्यटकों ने भी रामलीला का लगातार 4 दिन तक आनंद लिया. इस मौके पर रुपेश धवन, अजय शिंगारी, हनी मेहर, ध्रुव मेहरा, देव पांडा, अजय बहल, दीपक शर्मा आदि उपस्थित रहे. अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट. हाँ जी, असि सारथी कला मंच वालों, मैं चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा, मेरे नाल चंचल जी जेडे प्रेजिडेंट ने सारथी कला मंच चलाते हैं, साढ़े नाल जेडे बब्बर जी, ये काफ़ी सालों तो लगभग 25 तो 27 साल पहला इन्होंने जी शुरुआत की निम्पा रामायण, बस उदों ही असी कॉन्टीन्यू करते हुए इतने दुर्गियाना मंदिर के लगातार 3 या 4 साल तो असं इतने रामलीला जी दिखा रहे हैं. तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करदा सारिया का कि इन्होंने जी एक टीम बनाई है जी रामलीला जी दिखा रहे हैं कलाकार ने, बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल समाज के हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा, वो नाल नाल लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है. तो मैं लोगों को भी अपील करांगा कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जिहड़े रामलीला देखन आन, ताकि उन्होंने बच्चों जी पुरातन हिंदू संस्कृति है वह जो ज्ञान हो सके, तो जिहड़े बच्चे ने अच्छी शिक्षा ले सकन. देखो सर, असी ऑलरेडी जिहड़ियां FIR वगैरह करवाने हैं कितने भी अगर गीत वगैरह लगा हो, क्योंकि यह बहुत ही जी गलत प्रथा जी है मॉडर्न युग में चलाई गई है, बहुत ही गलत गल है. बाकी प्रशासन इस चीज़ के साडा पूरा साथ दे रहा, जिते भी चलता वा असी लोगों को भी अपील करते हैं कि सानू वीडियो वगैरह अगर तुहानू इस तरह का हुंदा तो तुसी वीडियो सानू पोस्ट कर सकते हो, तो असी जी FIR जी उत्ते दर्ज करावांगे. अज रावण का वध जिहड़ा लास्ट डे सीगा, क्योंकि 9वीं का दिन है, कल दुशहरा है, तो अज से जिहड़ा रावण का जिहड़ा वध इत्थे दिखाया गया. देखो एक ही संदेश है कि जिहड़ा सच्चाई है उहदी हमेशा जित हुंदी है, तो झूठ हमेशा हारदा वा, तो लोगों नूं जिहड़ा सच्चाई दे रस्ते ते चलना चाहिए, तो रामचंद्र जी के जिहड़े वचन ने उहनां नूं देख के तो उहनां दे उत्ते चलना चाहिए. बिल्कुल जी, बहुत 2-3 महीने हो गए ने कलाकारां नूं इस प्रोग्राम नूं रिहर्सल करदे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल पब्लिक दे विच मैसेज पहुँचाया, तो साडे वल्लों जिहड़ा वा ते दीपक जी वल्लों ते बाकी होर भी मेरे नाल गंगा राम शिवाले दे प्रेजिडेंट अमन जी भी ने, होर भी बहुत सारिया शख्सियतां अमृतसर दियां इत्थे पहुंचियां सीगियां, तो मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत थैंक्स करदा कि उन्होंने एप्रीशिएट किया साडी टीम ने. मेरा नाम हनी मेहरा, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय गौ रक्षा महासंघ तो. असी सारथी कला मंच जो क्लब है वो चला रहे हैं, 2 महीने से कलाकारा ने बहुत सारी मेहनत की है, इतने रामलीला दिखाई दे जा रही है. अपने जड़ा साड़ा इतिहासिक राम श्री रामचंद्र जी के बारे जो भी उन्होंने जीवन लीला है वो दिखाई जा रही है, और अज के समारोह में असं अपने जड़े कलाकार ने उन्होंने सम्मानित भी किया है.
सर आज जेड़ा लास्ट दिन है रामायण दा और आज दे जेड़े जो भी चल रहा है ओदे विच रावण दा जेड़ा वध है ओ दस्या जाएगा ते रामलीला नु समापक कीता जाएगा। सर नहीं ए बिल्कुल जरा डिजिटल सॉन्ग्स वगैरह करते हैं डांस वगैरह नृत्य वगैरह दिखाते हैं बिल्कुल गलत है और यह साड़ी संस्कृति लई बहुत ही ठेस भावना पहुँचाता है सानू बहुत ही बुरी गल है लोगों यही चाहिए वा कि जिते भी हों विरोध किया जाए उन्होंने रोकया जाए कि यह बिल्कुल गलत है साड़ी संस्कृति लई। हाँ जी जिदा कि तुम देख सकते हो मेरे नाल फॉरनर्स ने लगभग चार दिन तो साढ़े नाल रामलीला देख आ रहे हैं और एप्रीशिएट कर रहे हैं और इन्होंने यह भी कहा है कि असी अपने देश में जाके जड़ी हिंदू संस्कृति है उन्होंने आप जो बार भी दसांगे तो उत्थे भी उन्होंने दसांगे कि इस तरह सानू अगे रामलीला जा जो भी है अगे अपने सनातन धर्म को अपनाना चाहिए है। Hello, my name is Asha Vratek and Szymon Chrobak, and we are very thankful for this beautiful experience. That was our first time on this festival, and we are more than happy that we can be part of your beautiful and great festivals. We will share this experience with our friends and family in Poland and in Europe, because it was the best to be here in Amritsar during this beautiful day. So many thanks you and also you and you for invite us here because it was big, big honor and big pleasure for us. Yeah, and for us it's like you are so powerful with the color, with the God, you are so like full inside that when we look on your eyes we are like more than happy because we can feel your spirit, which is very inspiring also for us. So, we are from Poland. न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर कोटकिशन चंद के खुले मैदान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला के अंतिम दिन की नाइट में कलाकारों द्वारा रावण, उसके पुत्रों व सेना के वध का मंचन किया गया। रामलीला के अंतिम दिन की शुरुआत दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व CPS KD भंडारी, भाजपा जिला प्रधान सुशील शर्मा, रमन शर्मा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर एवं रिबन काट कर की। इस अवसर पर मुख्य निर्देशक श्री राम जग्गी, मुख्य संरक्षक सुशील शर्मा, चेयरमैन कमलजीत सिंह बेदी, अध्यक्ष भगवंत प्रभाकर, महासचिव हितेश सियाल, कोषाध्यक्ष यशु सियाल, वाइस चेयरमैन केवल कृष्ण चोपड़ा, ओम प्रकाश सप्पल, संगठन मंत्री धर्मपाल अरोड़ा, उप प्रधान अश्विनी हांडा, ललित शर्मा, विकी सियाल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पंजाब का जाने माने नाम साढ़े जलंधर शहर में सारिया मंत्रा प्रबंधक कमेटी नाल लैके जिन्होंने सारे शहर दिया मंदिर कमेटी किया और बैंक सवेरा हलचल पंजाब ये जेडे इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी और प्रिंट मीडिया तो बहुत ही सज्जे साफ ढंग के नाल पत्रकारिता के खेत्र के लिए मैंने नाम गवाया और सब प्रदेश बहुत सारिया स्टेटा के अच्छ दैनिक सवेरा हलचल के चैनल भी चल रहे हैं, दैनिक सवेरा अखबार सब स्टेटा जा रही है और बड़ी खुशी की गल है कि हम परमात्मा के आशीर्वाद के नाल प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के नाल इंग्लिश का जी पेपर है वो भी शुरू हो गया है। जे लोग इंग्लिश पेपर पढ़ना पसंद करते हैं उन्होंने वास्ते भी जी कमी है कौड़ी पूरी कर दी है और असं परमात्मा चरणा च अरदास करते हैं क्योंकि पिछले जद ही साढ़े रामलीला का मंच चल रहा है असी लोग जो मंचना चाहते नहीं उस तो पहले तो शीतल बेजी इस मंच को आशीर्वाद देते आ रहे हैं और दूर जाओ रामलीला कमेटी इन्हों के हर साल आशीर्वाद के नाल बहुत सारा सहयोग साडा करते हैं जो भी साढ़े मन की जरूरत होती है पूरी करते हैं। इन्होंने पूर्व CPS साढ़े वे कमीशन के भंडारी जी
जो अज पंजाब के वाइस प्रेजिडेंट ने भारतीय जनता पार्टी के समाज के इन्हों का पूरा ना है और असं सब लोग खासकर नॉर्थ के राम लाहौल नॉर्थ की जिन्हें भी वसरीक ने सब चंगी तरह इन्हें कमां भली भांति आप जानू हैं कि किस तरह इन्होंने अपने एरिए तन मन धन के नाल संवारिया और पूरी सेवा तरमैटा के नाल सेवा अज भी देर रात तक सब जगह पहुँच रहे हैं दूसरे के साथी ने और इन्हों प्रभु होर ताकत देवे होर बल देवे कि साढ़े दोनों जोड़े सू आशीर्वाद देने वाले साढ़े बड़े इस तरह सू सहयोग करते हैं सू आशीर्वाद देंगे इस प्राचीन मंदिर के लगातार 23 साल तो माँ अन्नपूर्णा कमेटी के सहयोग के नाल न्यू नवयुवक रामलीला कमेटी वालों इतने बहुत ही विशाल रामलीला का आयोजन कराया जाता है। मैं सब तो पहला आदरणीय पूजनीय शीतलबीर जी का जेड़े कि साढ़े सनातन धर्म के प्रहरी है श्री दीपला मंदिर के मुख्य सेवादार है और दैनिक सवेरा समूह के भी मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने इतने आम से आदरणीय चोपड़ा साहब जी इस कमेटी के रामलीला कमेटी के चेयरमैन साहब है और मेरा छोटा भी कुलवंत भाकर साहब इन्हें पूरी टीम हितेश सियाल जी साडे चीफ डायरेक्टर साहब श्री राम जंगी साहब इन्हों पूरी टीम वालों बहुत शीघ्र बीज का इतिहास से हार्दिक अभिनंदन करता हाँ साधुवाद करता हाँ और श्री राम अगर अरदास करूँगा कि साडे शीतल जी इस तरीके धर्म और समाज की सेवा करते रहन महाराणी लंबी उम्र दे जो सा इन्हें इस तरीके प्यार मुहब्बत बनिया रहे और साढ़े पंजाब साढ़े शहर में अगाह बनाने इन्हों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरिया मातावान मेरिया भैन मेरे बजुर्ग और प्यारे नौजवान साथी लगातार 8-9 दिन तो आप इतने जिन्हें भी कलाकार है उन्होंने कला को देख रहे हैं। नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के अंतिम दिन की शुरुआत कलाकारों द्वारा रावण वध के साथ की गई, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। अंतिम दिन की रामलीला की शुरुआत पंजाब कंटेनर बोर्ड एंड वेयर हाउस के चेयरमैन राजविंदर कौर थ्याड़ा और पूर्व पार्षद दीपक शारदा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर एवं रिबन काटकर की। इस मौके पर कुलदीप शारदा और वरुण भल्ला भी उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर सीताराम, संरक्षक राम सिंह, सीनियर चेयरमैन दीपक सूरी, चेयरमैन वीपी गुप्ता, उप प्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, मैनेजर राजेंद्र तिवारी, विनोद कुमार, विक्रमजीत वर्मा, सूर्य मिश्रा, हरिराम प्रजापति, प्रताप नारायण यादव, रामू प्रसाद, सियाराम, सूर्यनाथ यादव, अरुण पाल, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, विनोद पटेल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की। नवदुर्गा रामलीला कमेटी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਭੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ पब्लिक स्कूल में 35वें वार्षिक पारितोषिक वितरण के लिए संकल्प थीम पर आधारित समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में इनकम टैक्स कमिश्नर नोएडा डॉक्टर गिरीश बाली डॉक्टर कुसुम बाली विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। डॉक्टर सुविक्रम ज्योति चेयरपर्सन कम मैनेजर तथा डॉक्टर सुमन ज्योति ट्रस्टी एवं मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके अलावा संजय सब्रवाल पीपी सिंह आलूवालिया आरआरपी शारदा एडवोकेट अशोक परूथी एमएस शोरी विभा शारदा विनोद अग्रवाल सतीश बांसल जसप्रीत कौर कुणाल अग्रवाल तथा ममता बहल भी कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल हुए। प्रधानाचार्य प्रवीण सैली ममता अरोड़ा ममता महेंद्रू हेड बॉय तथा हेड गर्ल कैप्टन वाइस कैप्टन ने दुर्गा द्वार पर गणमान्य सदस्यों का स्वागत किया। कार्यक्रम के आरंभ से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम की लड़ी में विद्यार्थियों द्वारा शिव स्तुति नृत्य प्रस्तुति समूह गान तथा वाद्य यंत्रों की सिंक्रोनाइजेशन की प्रस्तुति दी गई जिसने समारोह में चार चांद लगा दिए। इसी के साथ पंजाब की शान भांगड़ा की प्रस्तुति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। डॉक्टर सुविक्रम ज्योति तथा प्रधानाचार्य प्रवीण शैली ने मुख्य अतिथि व उपस्थित सदस्यों के साथ 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु विजेता विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। समस्त शिव ज्योति परिवार ने राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर नीनू सिंह मिन्हास मेघा कुमार पूजा सोडी रचा शर्मा हिमानी शर्मा शालू मागो भूपेंद्रजीत सिंह गुणिंदर कौर रजनी मलिक किरण बाला रंजू शर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष सहयोग दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। एक स्कूल था जिसमें चीफ गेस्ट की स्पीच जो है शुरू में करा देते थे क्योंकि बाद में सुनने वाले कम रह जाते थे, तो वो बेस्ट होता था कि शुरू में एक दो आइटम्स के बाद चीफ गेस्ट को बुला लो, देन इट ऑलवेज बिकेम इजी टू। तो लास्ट तक क्या है, मेरी सीट्स खाली होनी शुरू हो जाती हैं और प्रोग्राम लंबा खींचा जाए तो सिर्फ फ्रंट रो वाले सुन रहे होते, पीछे कोई होता ही नहीं। तो मैडम प्रिंसिपल बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मैंने एक घंटे की विंडो मांगी, उन्होंने कहा नहीं 45 मिनट्स। द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 5, तो आई रिक्वेस्टेड कि इसको मैं 6 बजे आ जाऊँ, आप फंक्शन शुरू कर लीजिएगा। आई डोंट वॉन्ट टू होल्ड द बिकॉज दैट डजेंट लुक नाइस, आई एम नॉट द वन हु विल कम लेट फॉर अ फंक्शन बिकॉज यू आर ऑल वेटिंग एंड मैम कहते नहीं 5:45 इज डन, मेरे कहा जी डन, प्रिंसिपल है तो यू हैव टू एक्नॉलेज द मैं एक कुलीग होते थे मेरे, उनके वो कहते कि मैं जब एनुअल फंक्शन पे जाता था तो तालियां बहुत बजती मुझे, अभी मेरे लिए मत बजाइए, वो बाद में पता लगा वो 25-30 बंदे अपने ले आते थे, देन देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ क्लैपिंग इन द फंक्शन, तो हर फंक्शन में वो 25-30 बंदे अपने पीछे कहीं बैठा देते थे, वहाँ से क्लैपिंग शुरू होती थी, ऑडियंस साथ साथ बजाती रहती।
दिस इज 35th फंक्शन 36th तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स द हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टीचर्स आपका इतना बढ़िया वो है टीचर्स को यहाँ आप खड़ा कर देते हैं सो दैट वी नो हु आर बिहाइंड द शो बिकॉज टीचर्स ने काफ़ी 15-20 दिन अच्छा खासा मेहनत की होती है टू रीच दिस स्टेज एंड इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ एक्नॉलेजिंग देयर द हार्ड वर्क दे हैव डन सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस एनुअल डे मुझे लगता है कि हमारी जो जिंदगी है ना वो चॉइसेस से बनी होती है वी चूज सुबह से शाम तक भी कीप ऑन चूजिंग समथिंग चॉइस होती है मेजॉरिटी चीज़ों पे हमारी कोई चॉइस नहीं होती व्हेन वी आर बॉर्न वी हैव नो चॉइस वेयर वी आर बॉर्न नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के अंतिम दिन की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के अंतिम दिन गायक कुमार हरीश पठानकोट वालों ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, पंजाब कंटेनर बोर्ड एवं वेयर हाउस की चेयरमैन राजविंदर कौर थियाड़ा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करतारपुर के चेयरमैन सुभाष शर्मा, मंडी बोर्ड जालंधर कैंट के प्रधान सुभाष भगत, पूर्व पार्षद मिंटू जुनेजा, विशाल कुमार ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के प्रधान राजेश अग्रवाल ने मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर वितरित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन के प्रधान राजेश अग्रवाल, उप प्रधान अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस पत्रा, सोनू कुलवंत राय पुरी, सुखदेव कुमार ने गायक कुमार हरीश को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बार बार आती है, मां ने इनको आशीर्वाद दे दिया है, अगली बार
ਸੀਟ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਬੇਦ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤੰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਸਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰ ਜਿਸਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਇਹ ਕੰਬਲ ਇਨਕਾ ਬਿਕਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਯੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਲੋਕੀ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਵੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਭਗਤ ਆਣਗੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਗਏ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਪੋਪੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਏ ਜੀ ਏ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਣਗੇ दुर्गा भजन सोसाइटी की ओर से पहला वार्षिक जागरण कमल पार्क अमन नगर जालंधर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया गया जिसमें जगतार सिंह कांगड़ा फतेहपुर वालों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर पंजाब कंटेनर बोर्ड एवं वेयर हाउस के चेयरमैन राजविंदर कौर थियाड़ा आप नेता अमित ढल बॉबी ढल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करतारपुर के चेयरमैन सुभाष शर्मा मंडी बोर्ड जालंधर कैंट के प्रधान सुभाष भगत पूर्व पार्षद दीपक शारदा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया जिन्हें सोसाइटी के सदस्य मनु छाबड़ा ने मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
नवरात्रों के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में शुरू हुई नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के अंतिम दिन की शुरुआत भजन गायक रवि मंगल एंड पार्टी फगवाड़ा वालों ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद उन्होंने मां की मधुर भेंटों को गाकर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद ने भजन गायकों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया, जिसके बाद कंजक पूजन भी किया गया। इस अवसर पर मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल, अरुण वर्मा, गौरव शर्मा, राजू शर्मा, दमन मेहता, प्रदीप अरोड़ा, रमन शर्मा, साधुराम कालिया, संदीप लकी, दविंदर साहनी, अजय लाली सहित असंख्य मां भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। मां देश मंदिर वास्ते आई है महारानी खजाने पर दूर बेर पड़े हाथ बच्चों के सिर चढ़के। तो आज नवां दिन है महारानी देश दरबार का। तो मैं बहुत धन्यवादी हाँ अपने वीर श्री शीतल बीर जी का, जहाँ के प्यार का सच्चा, जिन्होंने हर रोज़ शाम लगातार एक एक दो दो घंटे इस कवरेज वास्ते मां के दरबार के हर गुणगान जो मां के नाम है उसके कवरेज वास्ते मां के दरबार सारी अपने चैनल और अपने दैनिक सवेरा के जिन्हें भी पत्रकार ने भेजे ने, और घर घर प्रसाद के रूप में नवरात्रों की हर शाम मां के नाम का आयोजन पेश किया है। तो चरमन जीवन में भी बहुत सारी माया आई है और महाराणी खजाने पर गुरु थे। मैं रवि जी के बेनती करा इन्होंने परिवार को जो साड़िया भैन आई ने एक मिनट वास्ते मेरे वाण दी मंडल रामलीला कमेटी थापरा बगीचे रामलीला ग्राउंड सोडल नगर की तरफ से रामलीला ग्राउंड सोडल रोड में दशहरा उत्सव में शहरवासियों को आमंत्रित करने हेतु कमेटी प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू, सुनील विज, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, ओम प्रकाश, बिनी छाबड़ा, गौरव गोरा, विक्की शर्मा, कमल टंडन, गौरव कनोचिया, कुलदीप शारदा, अश्विनी सिंगला, वरुण भल्ला, विक्की शर्मा ने सांसद सुशील रिंकू, कंटेनर बोर्ड के चेयरमैन राजविंदर कौर, डीसीपी जगमोहन सिंह, उद्योगपति कुशल शर्मा को निमंत्रण भेंट किया।
तैयारियों संबंधी जानकारी देते हुए कमेटी सदस्यों ने बताया कि दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में रामलीला ग्राउंड सोडर रोड से शोभायात्रा आरंभ होगी और शाम 5 बजे रावण दहन किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। विजयदशमी के उपलक्ष्य में स्माइल क्लब जालंधर की ओर से मॉडल टाउन स्थित पोलकी रेस्टोरेंट के समक्ष विशाल लंगर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर ये लंगर लोगों में वितरित किया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री राम का नमन किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्माइल क्लब की तरफ से ये दशहरे का लंगर लगाया जा रहा है और सब लोग यहाँ बड़े अच्छे से खा रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि स्माइल क्लब की तरफ से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए। लंगर होता है या किसी भी नीडी की, कोई बीमार है कुछ है, उसकी हम अपनी तरफ से सेवा करते हैं। सो सबको दशहरे की शुभकामनाएं, सबके घर में खुशियाँ हो और सब खुश रहें। थैंक यू। जैसा रुचि जी ने बताया कि आज स्माइल क्लब की तरफ से ये लंगर लगाया गया, तो सभी जलंधर वासियों को, पंजाब वासियों को दशहरे की बहुत बहुत मुबारक। आज के दिवस राम जी ने विजय प्राप्त की थी, तो स्माइल क्लब जैसे सेवा करती आ रही है और ये करती रहेगी। महानवमी के उपलक्ष्य में जालंधर कैंट रामा मंडल मोहल्ला नंबर 17 में कन्या पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के अध्यक्ष हरविंदर सिंह पप्पू और मंदिर के प्रधान कमल चौहान ने विशेष रूप से उपस्थित होकर कन्याओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पंडित राजकुमार राजू ने विधि विधान से पूजन करवाया, जिसके बाद लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मंडल की सदस्याओं ने भजनों का गुणगान कर वातावरण को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर सरोज रानी, आशा चड्डा, लक्ष्य शर्मा, गीतांजलि प्रभुदयाल सहित कई भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। गंगे सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को तू ही संगारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, माँ पे देखा है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना वाली लाज बचाने वाली, सदियों के सत्य को संभाल। ओ मैया हम सब उधारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होशियारपुर में दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस बार होशियारपुर में दशहरे के महाउत्सव पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद लिया और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को अग्नि भेंट किया, जिसके बाद होशियारपुर के लोगों के समक्ष अपने विचार रखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे पहली बार होशियारपुर के दशहरा पर्व में शामिल हुए हैं और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ पर एक ही दशहरा मनाया जाता है, जो कि बड़े भाईचारे का प्रतीक है। इस मौके पर रामलीला कमेटी की तरफ से सम्मान चिन्ह देकर मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके साथ एससी कमीशन के अध्यक्ष विजय सांपला, पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा और आप कार्यकर्ताओं सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। आज विजयदशमी के मौके पे देश के विच मन्ने परमन्ने त्योहार के तौर पर
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਦੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अधर्म पर धर्म की हुई जीत अन्याय पर न्याय की विजय के साथ एक बार फिर से असत्य पर सत्य की जीत हुई जय श्री राम के उद्घोष के साथ साथ आज आतिशबाजी की चमक के बीच बुराई की छाया का अंत हो गया यह छाया रावण रूपी पुतले के रूप में नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से रामलीला ग्राउंड सोडल रोड में मनाए गए दशहरा पर्व पर जलकर खाक हो गई इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विधायक बाबा हेनरी ने रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया श्री विज ने श्री राम भक्तों को बधाई देते हुए कहा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पावन चरित्र त्याग का अनुसरण करना चाहिए तभी हमें दशहरा पर्व मनाने का लाभ है इससे पहले विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई जो कि इलाके की परिक्रमा कर रामलीला ग्राउंड सोडल रोड में पहुंची जहां पर राम की सेना में हुई युद्ध ने भी दर्शकों पर एक अमिट छाप छोड़ी इस दौरान आतिशबाजी के मुकाबले ने सभी का मन मोह लिया इस अवसर पर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी के प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू सुनील विज विनीस छाबड़ा राजू छाबड़ा संजय कोछड़ रमन शर्मा सौरभ शर्मा गौरव गोरा अश्वनी सिंगला नीटा एसएस बिल्ला रवि प्रकाश राजू छाबड़ा रमेश शारदा कुलदीप बत्रा हैप्पी छाबड़ा सहित असंख्य राम भक्त मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट अहंकार तथा बुराई के नाश का प्रतीक पर्व विजयदशमी जालंधर वासियों की तरफ से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इसी के तहत श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के समक्ष दशहरा ग्राउंड मॉडल हाउस में भी दशहरा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रावण दहन करने की रस्म अदा की और सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान दिनेश शर्मा मेजर सिंह सहित संजय कोछड़ रमन शर्मा सौरभ शर्मा सहित असंख्य राम भक्त मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट महान पर्व के ऊपर सारे ही शहर वासियों का हार्दिक स्वागत है दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक दैनिक सवेरा टाइम और सवेरा टाइम उसके मुख्य संपादक श्री शीतल वेद जी लगभग 10-12 दशहरे अटेंड करके असी माफी चाहते हैं थोड़ा लेट आए हैं शीतल वेद जी 10-12 दशहरे अटेंड करके मॉडल हाउस महालक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर दिनेश शर्मा जी मेजर जी और उन्होंने सारे साथी असी सारे नू अज दैनिक सवेरा परिवार वालों कल्चर चैनल वालों बधाई दिने हैं और इस तरह ही धर्म के उपर धर्म की जी जित है असत्य उपर जी सत्य की जित है सारे ही शहर वासियों भगवान श्री राम
शक्ति देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल मिर जी वालों लख लख बधाई दिने हैं। बदी पर नेकी की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया। जालंधर में भी दशहरा पर्व को लेकर हर तरफ रौनक देखने को मिली। इसी के तहत फ्रेंड्स दशहरा कमेटी छोटी बारादरी गढ़ा की ओर से दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पंजाब कंटेनर बोर्ड एंड वेयर हाउस की चेयरमैन राजविंदर कौर थ्याड़ा, आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज सुरेंद्र सिंह सोडी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुत्रों को अग्नि भेंट किया और सभी देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधान मिंटू जुनेजा, चेयरमैन राकेश कनौजिया, दिनेश शर्मा, सोनू बुद्धि राजा, मोहन अरोड़ा, बलजीत पप्पी, शशि भगत, संजय कोचड़, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा सहित असंख्य राम भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज फ्रेंड दशहरा कमेटी छोटी बारादरी दे विच दशहरा बड़ी धूमधाम नाल कराया जा रहा है, जिहदे विच साडे प्रधान श्री मिंटू जुनेजा जी, राकेश कनौजिया, मैं चेयरमैन फ्रेंड दशहरा कमेटी पंजाब दा, और मेरे नाल साडे कौंसलर साहिबान सैकटरी श्री प्रभदयाल जी, वाइस चेयरमैन जी, और बलजीत पोपी जी मंडी बोर्ड डायरैक्टर, और साडे सोनू बदराजा जी, शशि भगत जी, गुरदयाल रतन जी, पूरी टीम ने बहुत ही हिम्मत और उत्साह दे नाल यह दशहरा हर साल कराते ने। इस साल साड़ी टीम ने एक एम्बूलेंस अपने एरिए वास्ते बनवाई आ, साडे पूरी टीम ने रल के वो जिहड़ी एम्बूलेंस आ साडे गीता मंदिर नूं उहदियां चाबियां अज दित्तियां जाणगियां। उहदा लक्ष्य सिर्फ यही आ कि जिहड़े भी गरीब और जरूरतमंद बंदे टाइम सिर किते होस्पिटल जाना होवे, इत्थे नहीं कन्वेंस मिलदी आ, उहनूं फ्री ऑफ कॉस्ट जिथे मर्जी लिजा सकदे ने। इह फ्रेंड दशहरा कमेटी वल्लों इस साल उपराला किया गया आ। अज जिहड़ा फ्रेंड दशहरा कमेटी वालों छोटी बार हर तरह के साल की तरह इस साल भी जिहड़ा वा दशहरा छोटी मारांदर विच मनाया जा रहा। ये जिदा कि आप जानते हैं कि दशहरा जिहड़ा बहुत ही बहुत वड्डे लैवल ते जिहड़ा मनाया जाता है, क्योंकि ये जिहड़ियां बहुत ज़्यादा एरिया जिदा अरबन स्टेट फेस वन टू गढ़ा वा नाल छोटी बारां दे वड्डी दार दी सारे पिंड भी जिहड़े इत्थे आउंदे आ, बहुत वड्डा दशहरा जिहड़ा मनाया जाता है। अज सारे ही दशहरा फ्रेंड कमेटी के जिहड़े मैंबर आ वो सारे एकजुट हो के अपना इतफाक उन्होंने हैगा सारे जिन्हों के नाल उन्होंने अपने जिदा मेरे वे भी कनौजिया साहब ने भी दसिया थानू कि एक एंबूलेंस जी है वो सारे एरिए बस लिया दी गई है। बदी उपर नेकी जित जो है ये युगा युगों तो चली आ रही है, जिद इंसान समझा की कोशिश की है, रामायण ने, गीता ने, कुरान ने, गुरु ग्रंथ साहब ने, पर इंसान समझता नहीं है। एक बड़ी वही गल रामायण कही गई है, जदों रावण ने गलती की और श्री रामचंद्र जी ने समझाने की कोशिश की, सारे अयोध्या ने समझाने की कोशिश की, देवी देवते ने समझाने की कोशिश, पर रावण समझिया नहीं। आखिर बदी के उपर नेकी की जित हुई, रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का वध होया, मतलब कहें कि जो इंसान अपनी गलती मान जाए तो काफ़ी नुकसान होने तो बच जाता, यो रामायण में समझाया गया। बाकी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी का प्यार जो दिखाया गया, भरदा प्यार दिखाया गया कि परिवार के आपस के प्यार रहना चाहिए, एकता के जो बल है। हनुमान जी बारे दसाया, संकट मोचन जी बारे दसाया गया कि दुनिया के हनुमान जी जो ने हमेशा वो लोगों के काम आए हैं। सिक्ख्या मिलती है कि हमेशा जब भी मौका मिले दूसरे का भला करना चाहिए। फ्रेंड्स दशहरा कमेटी वालों इस बार फिर दशहरा जिहड़ा मनाया जा रहा, जो पिछले 22 साल तो मनाया जाए 23वां दशहरा असीं मना रहे हैं, और असी इस मेले की रीत नूं कोशिश कर रहे हैं पूरे अच्छे ढंग के नाल, हर साल के अगे तो अगे वधिया ढंग नाल मना रहे हैं। इस वाल असी जिहड़ा उपराला किया है वह फ्रेंड्स दशहरा कमेटी ने गीता मंदिर नूं एक जिहड़ी एंबूलेंस प्रोवाइड की है, अगे जिहड़ा खर्चा है वह भी चलना है, वो भी असी कोशिश करांगे कि घट तो घट जो ना मात्र खर्चे दे लोगों की सेवा जिहड़ी की जाए, और दशहरे भी असी जो भी बहुत अच्छे ढंग नाल पिछे काफ़ी समय तो करते आ रहे हैं और अगे भी करते आ रहे, अगले साल असी होर भी कुछ सोचा है जो कि आने वाले टाइम से असी दस दिता जाएगा कि अगले साल असी लोग भलाई में की सहयोग देवांगे। और इस तो इस दे नाल ही मैं कहना कि बहुत वधिया जो चल रहा है मेला, लोग अपने घरों निकलन
और देखन आन जो है पिछले अच्छाई दी जित पिछले काफ़ी समय तो चलती आ रही है और यह लोगों एक से दे रही है मैसेज दे रही है कि आपां हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ने ते लोकां दे नाल भलाई दे काम करने चाहिए आ। जय श्री राम। फ्रेंड्स दशहरा कमेटी गढ़ा वालों जिहड़ा ये अज 23वां मनाया जा रहा दशहरा उस ते मैं कमेटी नूं मुबारकबाद दिना। इन्ना लम्मा टाइम जिहड़ा किसी भी फंक्शन नूं करना एक कमेटी दी बड़ी शलाघा वाली गल हुंदी आ और इस दे नाल नाल जो ये दशहरा हुंदा है तुहानूं पता है कि ये बद्दी ते नेकी दी जित हुंदी आ और जदों समाज दे विच बड़ियां कुरीतियां ते होर गल्लां हुंदियां ते फिर उन्हां दे लई उन्हां नूं ठीक करन दे लई परमात्मा नूं कोई ना कोई रब दा रूप आउंदा जिस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने आके इहदा वध कीता रावण दा ते इह फिर जिन्नियां भी उन्होंने माड़ियां चंगियां गल्लां कीतियां ही उनका अंत कीता सीगा और अज दे दिन ते ही ये फ्रेंड्स क्लब वालों एक एंबूलेंस दी जा रही आ अपने फ्री ऑफ कॉस्ट के उत्ते 24 घंटे इत्थे रहा करेगी और किसी नूं जिहनूं लोड़ आ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਆ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਬਣੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰ ਪਿੰਟ ਜਨੇਜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੈਂਡ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਮੈਡਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥੈਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਬੰਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਰੈਂਡ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਫੇਸ 1 ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਫੇਸ 1 ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਿੰਟੂ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਿੰਟੂ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। असत्य पर सत्य की जीत तथा अहंकार तथा बुराई के नाश का प्रतीक पर्व विजयदशमी साईंदास स्कूल पटेल चौक की ग्राउंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने रावण मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान लंका दहन के साथ साथ भ्रष्टाचार एवं नशाखोरी का पुतला भी जलाया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया की रिपोर्ट। अहंकार तथा बुराई के नाश का प्रतीक पर्व विजयदशमी जालंधर वासियों की तरफ से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के तहत आदर्श नगर जालंधर में भी दशहरा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुशील कुमार रिंकू की धर्म पत्नी सुनीता रिंकू ने शिरकत कर रावण मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर सभी को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर असंख्य राम भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरा
कैमरामैन पवन कनौजिया की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बिलगा में एक नौजवान के कत्ल का मामला आया सामने, पुलिस आरोपियों की तलाश में कर रही छापामारी। बरनाला पुलिस ने पुलिस कर्मचारी की हत्या के मामले में चार आरोपियों को किया काबू। 315 बोर का पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस से कार व मोटरसाइकिल किया बरामद। जालंधर महानगर में धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर किया रावण दहन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।